मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक की जानकारी देते हुए शासन के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 2005 के बाद शासकीय सेवा में आए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। 2018 से ये सुविधा लागू होगी। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों की मित्र सह सेवानिवृत्ति उपादान का लाभ प्रदान करने का भी आज तय किया है। 16/1/2018 से ग्रेचुएटरी का पहले प्रावधान नहीं था, अब उसे किया गया है। आयुक्त रीवा संभाग में एक अपर आयुक्त राजस्व का पद सृजित करने का भी आज तय किया है। हमारी शासकीय मुद्रण और लेखन सामग्री कार्यालय के आधुनिकीकरण क्रियान्वयन योजना को भी, अपनी गवर्नमेंट की जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस है ये उसके आधुनिकीकरण के लिए आज कैबिनेट के द्वारा 1955.38 लाख को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में फ्लैट रेट पर बिजली देने की मुख्यमंत्री की घोषणा को पूरा करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। साथ ही जुलाई माह से गरीबों को 200 रुपए महीने पर बिजली दी जाएगी, जिसमें वो पंखा, टीवी और बल्ब जला सकेंगे। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मजदूरों और गरीबों के बकाया बिल भी माफ किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना जो कि 13 तारीख को सभी स्थानों पर होगी, इसमें अगले महीने जुलाई के महीने में सभी हमारे जो मुख्यमंत्री जल कल्याण योजना के जिन्होंने फार्म भरे हैं, सदस्य बने हैं, इन सभी को बिजली के बिल के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और उस दिनांक तक के उनके पुराने सारे बिल फ्रीज हो जाएंगे और 200 रुपये का बिल नया प्रारंभ होगा, जिसमें 200 रुपया महीना उन्हें देना होगा। इसमें ये पंखा और लाइट, बिजली जलाने वाली प्रकाश वाली और पंखा और टीवी ये इसमें शामिल कर गई है। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन आकाश परागी के साथ राम पवार की रिपोर्ट।